अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खरगोन से गुजरने वाले खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर मजदूरों से भरी पिकअप वाहन पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। गोगावा थाना क्षेत्र के 12वां मील फाटे पर मजदूरों से भरी पिकअप वाहन पलटी खा गई, जिसमें एक मजदूर 16 वर्षीय लड़की की मौत हो गई व अन्य 6 मजदूर घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शी प्रकाश यादव बहरामपुरा ने बताया कि पिकअप वाहन में करीब 20 से अधिक मजदूर सवार थे। अचानक बकरी के सामने आने से वाहन चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे पिकअप वाहन पलटी खा गई। सूचना मिलने पर बमनाला पुलिस 100 डायल वाहन व गोगावा थाना मोबाइल घटना स्थल पर पहुंची व घायलों को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि रोजाना इस तरह के दर्जनों लोडिंग वाहन सवारियों पर चलाए जा रहे, वहीं जिम्मेदार मुक दर्शक बने बैठे हैं। ज्ञात रहे कि जिले में भीकनगांव, बमनाला, बिस्टान, झिरनिया, भगवानपुरा थाना क्षेत्र में ऐसे कई वाहन धड़ल्ले से गुजरते हैं, लेकिन अभी तक इन वाहन चालकों व मालिकों पर किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई नहीं की गई है। ये खंडवा रोड पे पिकअप पलटी है और अपने पास जो 20 मरीज आए हैं, तो 20 मरीज में से 2 मरीज को जो चोट लगी है वो थोड़ी सी गंभीर है। एक बच्ची का हाथ है वो उसका फ्रैक्चर हो गया है, क्रश गिरी हुई है, उसको अभी इंदौर रेफर किया है। और एक लड़का है उसके सिर में चोट लगी है, तो उसकी स्थिति भी थोड़ी सी गंभीर है, उसको इंदौर रेफर किया है। डीजीएना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट खरगोन।